My name is Sonam Gyatso, and I'm actually from Sakti village, but then I have been working over the years in the NGO civil society of Leh. कंजर्वेशन का उनका यही मकसद था कि कैसे ले ओल्ड टाउन को जो हिस्टोरिक क्लस्टर है इसको कंजर्व किया जाए, इसको एक स्लम, हिस्टोरिक स्लम ना बन जाए बल्कि एक हिस्टोरिक है ना कंजर्व्ड रेस्टोर्ड स्पेस बन जाए, ये था। क्योंकि अब 70s में मैंने आपको बताया कि टूरिज्म शुरू हुआ है, हमारे लोगों ने एक होम स्टे से शुरू किया है बिजनेस अपना, अपने बगीचे कैंपिंग के लिए वो देते थे। एक एक कैंपिंग साइट का शायद रात का 5 रुपया था कि 10 रुपया था तब 70s में, अब यकीन नहीं मान। एक गेस्ट हाउस में एक रूम का बेड का पर नाइट 10 रुपया होता था, अब खुद ही सोचो वहां से कहां पहुंच गया आज। तो मैंने सोचा कि ये अभी एक नया चीज, एक अंग्रेज आए हैं जो उनको बहुत कमिटेड है, और इन्होंने लासा सिटी में भी इन्होंने काम किया कंजर्वेशन का 1994 से 2000। तो फिर ये तो बहुत ही वैसो लकी, और 2000 में उनको वहाँ बंद कर दिया क्योंकि अब चाइनीज लोग बहुत सस्पिशियस हो गए कि फॉरेनर्स को लासा में नहीं रहना, उन सबको निकाल दिया वहां से। तो ये ग्रुप जो है किसी ने सजेस्ट किया भाई आप ले जाओ, और आप यकीन नहीं मानेंगे ले टाउन और लासा का हिस्टोरिक एक लिंक हमेशा रहता है कि लासा में क्या हो रहा है तो ले को सुनना है ले वालों को, और ले में कुछ हो रहा तो लासा वालों को सुनना है। ये सदियों से ये हमारा वो है। This is also a treasure we have. So you can see the real rock carvings here, 5 of them inside. And they're fixed on the ground, so you cannot take it out. And you can see the carving qualities. This one, just you can see how beautiful it is. And that one there, these are all bodhisattvas and buddhas and bodhisattvas. The 5 of, yeah. And this belongs to Sankar Monastery. This is the monk's quarter of the Sankara Monastery, who used to live here, and he would take care of the Maitreya temple, the street Maitreya temple, just nearby. We'll make a round there, you know. So my aim here would be taking you to the pilot project area, just a little bit, short walk. मुझे पहला 7 साल में handicraft में मिस्टर दावा ने कहा कि आपको ये चलाना है। हमारे हैंडीक्राफ्ट सेंटर, विलेज सेंटर इतने अच्छे चलते थे, इतने अच्छे थे, उसका अटेंडेंस इतना अच्छा था, उसका प्रभाव गवर्नमेंट ऑफिस में पड़ते थे गांव के, ये कि हेल्थ सेंटर है या शीप एनिमल शीप का डिपार्टमेंट हो गए, कुछ एक आध होते थे। तो वो लोग कहते थे गांव वाले भी देखो ये इकोलॉजी वाले इतना टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं और हमेशा होते, आप लोगों को पेंशन वाला जॉब है, आप लोग होते नहीं, ठीक ना। तो ऐसे करके डेवलपमेंट शुरू होता है, हमने तो देखा ना कैसे होता है, कितना असर कर जाता है प्राइवेट संस्था,
है ना, एनजीओ सोशल इंस्टीट्यूट है ना, कम हम कम सैलरी पे काम करते हैं, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन है वो कितना होता है, जॉब सेटिस्फैक्शन उसके, हम तो बाद में बस उसी में डूब गए ना, हम मस्त हो गए, हमको बस और नहीं चाहिए। एंड ऑल्सो मिस्टर टुंडू इज आवर होस्ट हियर एंड and then we yeah. also use it as a gallery, art gallery. So right now we have a art from our one of our co-director Pimpin Evasdo. She's from Portugal and she's our co-director of Tibet Heritage Fund. So these are some of her creation. So she sent this to us from Hong Kong. Right now she's living in Hong Kong. इतफाक से मैं ले में पैदा हुआ हूँ, मैं पुश्तैनीगर साक्टी गांव में पैदा नहीं हुआ हूँ। तो मैं कल आपको बताया था कि मेरे मासी के घर में पैदा हुआ, और मैंने ये आपको ये भी बताया कि मेरे मासा जी क्रिश्चियन थे, जिनके नाम पे ये ईजीएम डिग्री कॉलेज अभी है। तो मेरी पैदाइश इस घर में हुआ है, और हमने ये घर रेस्टोर किया है। और ये सेंट्रल एशियन ओरिजिन के फैमिली है, युगर जिसको कहते हैं, विगर, तो उसका घर है, वो कंजर्व किया, ये स्टूपा को किया है, साउथ स्टूपा गेट, वेस्ट तो मैंने आपको दिखाया, इसी तरह ईस्ट भी है, ईस्ट स्टूपा गेट वो भी कंजर्व है। तो ये डायरेक्शनल गेट्स है। बहुत डांट पड़ता था घर में वाइफ से, गवर्नमेंट ज्वाइन करो, गवर्नमेंट हम नहीं किए, हम क्या नहीं हो सकता हमसे, हमको ये अच्छा लगता। 17 साल करने के बाद फिर हम खुद किया, ये एक महीना एक ट्रैवल एजेंसी था इको टूर, उसका नाम भी हमने इकोलॉजिकल टूर रखा था, लारी कार्पो इकोलॉजिकल टूर। वो लारी कार्पो मेरे फादर ने दिया, लारी कार्पो। लारी कार्पो इज छोटा, एक्चुअली छोटा कैलाश ऑफ लद्दाख, ये एकदम बॉर्डर पे है लारी कार्पो। कहते हैं मूनलिट नाइट पे ये वो इतना शाइन करता है, मार्बल की तरह है वो, जैसे कि पता नहीं है ना, लाइटिंग हमने कर दिया इतना लारी कार्पो। लारी कार्पो मस्ट बी मेड अनदर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन द फ्यूचर बाय टूरिज्म डिपार्टमेंट, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और ये जो पेविंग हमने किया है विद ड्रेन, सरफेस ड्रेन, वो हमने कंजर्व किया। वो ये जो घर नजर आ रहा है, I was literally a free bird as a little kid. So I was born in Leh, and then I was staying with my father. My father had left job in Delhi as lecturer in the Buddhist studies in the 1963, and had come back to Ladakh because his father had passed away, and my grandfather passed away at a very young age. Oldest rammed earth wall. इतना मीटर है, इतना देखिए चौड़ा है, इस तरह जाता है। माय फादर वुड ब्रिंग लॉट्स ऑफ कॉमिक मूवीज ऑल्सो ओकेजनली फॉर द चिल्ड्रन, so that would be shown in Leh market on a white curtain, you know, screen. It was so nice. And then we had so many comics, so the children would say Ome Chulok. So there was one this magical movie, all in animation, so about the ice cream which comes out of a cup,
So the secret was you should know how to lock it and unlock it, you know. Otherwise, the you know, so suddenly this the opposition person, you know, they steal the thing, magic, but doesn't know how to lock the system. So the whole village and everything is flooded with milk, ice cream. कश्मीर चले गए. उसके बाद फिर मिलिटेंसी के बाद उनके यंगस्टर्स जो सिबलिंग्स है आजकल की जनरेशन के, वो लोग आ गए वापस. पूरा ये खोल सकते हैं कश्मीरी स्टाइल में बनाए बालकनी. द स्कूल वाज कॉल्ड जुमा बाग. सो वी वर स्टडिंग देयर. सो वी हैड यू नो ट्रेडिशनल टीचर्स teaching us maths, English, Urdu, and Bhoti, and Bengali. That I started till 5th. So then I was taken to this Disco Memorial School, which was a Scottish-run missionary school. So I was taken there. So that was my first. My father took me in a truck, you know, because there was no bus yet service. So I was taken in a truck. अर्लियर बस डर्लिंग था किसी का, ये एस्ट्रोलॉजर फैमिली का. सो और ये मुस्लिम कालमा करके एक फैमिली है, सेंट्रल एशियन ओरिजिन का. ना आफ्टर 11 मुझे श्रीराम में मेरा एडमिशन हुआ इकोनॉमिक्स. अब मुझे इकोनॉमिक्स करना था ऑनर्स, और जबकि और जगह नहीं मिल रहा था. और श्रीराम में मुझे ग्रेस मार्क परसेंटेज मिला 3, क्योंकि मेरा मैथ्स इको कॉम्बिनेशन की वजह से. तो 3% और मुझे मिला, मेरा 67 हो गया. और हॉस्टल भी मिल गया मुझे, मैं बहुत लकी था. और आई वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम ले स्टूडेंट टू बी इन श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स. हम 180 ऐसे हिस्टोरिक घर हैं जिसको हम हेरिटेज हाउसेस कहेंगे, उनको तो कंजर्व करना है. और फिर उन्होंने ये कहा कि एलीज वगैरह उसको इम्पेवमेंट करना है ट्रेडिशनल स्टाइल में. तो कई चीज़ें वहाँ था, और ये एकदम जो नेशनल मॉन्यूमेंट ले पैलेस है उसके नीचे है, और विद इन दैट विसिनिटी है जिसको हम कहते हैं कि 300 गज के आसपास में. तो हमारा विजन तो यही है कि उसको एक हेरिटेज जोन बनाया जाए. अब कई साल से हम कर रहे हैं, अभी तक सरकार और कम्युनिटी राजी नहीं हुआ. हम क्या सोचते हैं कि ये क्यों नहीं राजी हो रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें हमारा क्या, हमारा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है. हम तो नॉन फॉर प्रॉफिट लोग हैं, हम तो इस जगह को सुंदर बनाना चाहते हैं, इसको कंजर्व करना चाहते हो, है ना, यही हमारा मंशा है. I'm an active member of the civil society in Leh, having spent 17 years in the ecological center Leh, and then later I have joined the Tibet Heritage Fund Leh Old Town Initiative and been working here for last another 13 years. Yeah, so it was really interesting and a very meaningful work for me, and that's my message for the young people, that really whatever they do, do some meaningful work.